प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, चरण छूकर मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। एकादशी व्रत की कथा सबसे महत्वपूर्ण कथा होती है। और आप भी जानते हैं दीदी कि 24 एकादशी में एक निर्जला व्रत, जो जेठ मास की एकादशी व्रत होती है, वो एकादशी व्रत सबसे बड़ा श्रेष्ठ मानी जाती है, अति फलदायक मानी जाती है। इस व्रत को करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, घर में धन धान भर जाती है, लक्ष्मी माता की आवाहन होती है। इसलिए इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। दीदी कथा को सुनिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो कि आपको लाइक सब्सक्राइब से भगवान भी प्रसन्न हो जाए। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो गुरु भाई बहना, एक नगर में एक राजा रहा करते थे और एक रानी। राजा साहब की एक पुत्री हुई, उसका नाम रुनकी था। रुनकी जो थी, रुनकी सिर्फ 3 महीने की हुई और रुनकी के माता मर गई। जब रुनकी के माता मर गई दीदी, तो राजा बड़े उदास हो गए और बड़े चिंतित रहने लगे। लगता था कि ये अभद्र है, एक कुलच्छनी है, एक उल्टी है, इसलिए इसका चेहरा हम नहीं देखेंगे। इसका चेहरा क्यों देखूं? मेरा पति इतना, पत्नी इतना सुंदर थी, इतना सुशील थी, भाग्यशाली थी, और इन्होंने जन्म लिया सिर्फ 3 महीने के बाद। मेरा पत्नी स्वर्ग सिधार गई। लेकिन दीदी, इसमें रुनकी का क्या गलती था, रुनकी का क्या दोष था? कहते हैं दीदी कि भाग्य बड़ी है भगवन, भाग बड़ी है भगवन, भाग में तूने क्या लिखा है, भाग बड़ी है भगवन, भाग में तूने क्या लिखा है, जो लिखा होगा अच्छा लिखा होगा, वही होगा। भाग बड़ी है भगवन, कर्म बड़ी है भगवन, जो मैं कर्म किया होगा वही मुझे मिलेगा, कर्म बड़ी है भगवन। गुरु भाई बहना, भाग भी है कर्म भी है। तो रुनकी के पिता बड़े दुखी रहने लगे, उसके घर के माता पिता, राजा के माता पिता, राजकुमार के और सगी साथिया सभी समझाने लगे कि हे राजन, आप इतने बड़े राजा होकर इतना चिंतित रहते हैं, आप दूसरा विवाह क्यों नहीं कर लेते? राजा को मन में लगा कि हा, रानी तो मुझे जीवन संगनी कही थी, लेकिन मेरा जीवन संगनी तो बन नहीं पाई, तो क्यों ना हम दूसरा विवाह कर लूं। दूसरा विवाह करके ले आए दूसरी पत्नी को। 1 साल पत्नी का मरी हुई नहीं हुआ, दूसरा विवाह करके ले आए। कहते हैं दीदी कि जो स्त्री होती है वो 1 महीने का बच्चा भी रहता है, उस पर पूरा अपना जीवन निछावर कर देती है। पुत्र पूरा अपना जीवन उस बच्चे को मुखड़ा देखकर बिता लेती है। लेकिन पुरुष 4 बच्चे के पिता होकर भी, 50 वर्ष के आयु वाला होकर भी कोशिश करते हैं कि हम दूसरा विवाह कर दूसरी पत्नी को ले आए। अब दूसरा पत्नी ले आते हैं तो गुरु भाई बहना, राजा दूसरा विवाह कर लिए और दूसरा विवाह करके दूसरी पत्नी ले आए। दूसरी पत्नी जो आई रुनकी को देखकर बड़ी दुखी रहती थी, हे भगवान, राजा की तो 1 बेटी पहले से है और मेरा संतान होगा तो राजा क्या मानेंगे, क्या प्यार देंगे, कुछ नहीं ये देंगे। लेकिन खैर कोई बात नहीं, ये तो इसे प्राय घर में जल्दी चला देंगे। मानो कि घर की एक नौकरानी रहेगी
झाड़ू पोछा बर्तन करेगी, मेरा सेवा करेगी, मेरा कपड़े धोएगी, थोड़ा ये बड़ा तो हो जाए। जो रुनकी के सौतेली माई रुनकी को पोषण पालन करने लगी, राजा आते थे तो उस बच्ची को नहलाते थे, उसे भोजन भी कराते थे, वो अपना पुत्री को ध्यान रखते थे, क्या करते, उसे मारना भी तो नहीं था। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, रुनकी 6 से 7 साल की हुई। तो दीदी, रुनकी जब 2 साल की हुई तो रुनकी का घर में एक बहन जन्म ली दूसरी माँ से, दूसरी माँ से एक बहन जन्म ली और उसका नाम झुनकी रखा गया। रुनकी और झुनकी दो बहनों थी, रुनकी और झुनकी दो बहनों थी दीदी। तो रुनकी झुनकी दोनों साथ में रहती थी। जो बेचारी रुनकी थी फटी पुराने कपड़ा पहनते रहती थी, लेकिन झुनकी का तो अच्छे अच्छे मिलता था। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था, दोनों अपने माता पिता के घर में बड़ा होने लगी। जब झुनकी जो रुनकी थी, रुनकी 6 से 7 साल की हुई तो भगवान के मंदिर जाने लगी, पूजा पाठ करने लगी। राजा उसे पूजा पाठ से मना करने लगे, कह रहे तुम्हारा माता थी वो पूजा पाठ करती थी तो मेरा जीवन संगनी जीवन नहीं निभा पाई, वो बीच में मेरे बीच दरियाओं में नाव पर से गंगा में कूद गई, और तुम भी पूजा पाठ करती हो, पूजा पाठ करना बंद करो, इस घर में कोई पूजा पाठ नहीं करेगा। लेकिन बेचारी रुनकी थी वो छोड़ी नहीं, पूजा पाठ करते रह गई। राजा रानी उसे बड़ा कोशिश किए कि इसको पूजा पाठ करने नहीं देना है, लेकिन बेचारी रुनकी कितना हूँ कोशिश करने के बाद भी वो पूजा पाठ करते रह गई। धीरे 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 समय बीता और दोनों बड़ी हो गई। जब बड़ी हो गई तो रुनकी के झुनकी के माता कहती है कि ये जी बेटिया बड़ी हो गई है। गांव वाला सब कोई कहते हैं ये रुनकी के माई आप रुनकी को ब्याह नहीं कीजिएगा, रुनकी बड़ी हो गई है, रुनकी से छोटा छोटा सब ललकोरी हो गई है और इसको ब्याह नहीं कीजिएगा, कितने को मुँह रोकूँ कितने को मुँह बंद करूँ। राजा जो हैं राजा कहते हैं कि तो ठीक है, वर ढूंढने जाते हैं, कहते हैं कि देखिए जी ऐसा वर ढूंढिएगा जो कि इसका पूजा पाठ का भी खर्चा नहीं जुटा पाए, एकदम गरीब और निर्धन के घर इसको ब्याह करना है, देखते हैं कि जब कितना पूजा पाठ इसको काम देता है। पिता तो खुद नहीं कोशिश करते थे कि मेरा बेटी खुश रहे, क्योंकि उनको लगता था कि मेरा कन्या जन्म लिया है उसी से मेरा पत्नी का देहांत हुआ है, तो इसीलिए उनका भी मन क्रोधित रहता था। तो सोचे कि ठीक ही मेरा पत्नी कहती है, इसको शादी एक गरीब के घर कर देंगे, देखते हैं इसका भाग कैसा है क्या होता है। और जो रुनकी को पिता थे दीदी, रुनकी के पिता वर ढूंढने के लिए चले गए और वर ढूंढने लगे। ढूंढते 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 बेचारी एक बुढ़िया थी, विधवा थी, विधवा थी, उसका एक बेटा था, बेटा था, बेटा जो था काम करता था, 2 पैसे कमा के लाता था और माँ बेटा का परवरिश होता था। उसके घर गए, राजा कहते हैं कि क्या आप बेटी का विवाह करेंगे। बेचारी कहती है वो विधवा स्त्री कि तो ब्याह नहीं करेंगे तो मेरा बेटा का ब्याह नहीं करेंगे तो मेरा बेटा विवाह कुमारे रहेगा, तो आपके घर अपना बेटी का विवाह करना चाहते हैं। कहते हैं कि किसी घर से तो मुझे बहू लाना ही है, कोई बात नहीं, मेरा बेटा में क्या कमी है, अरे मेरा बेटा तो हजारों में एक है, गरीब हूँ तो क्या, बुढ़िया का बेटा वो भी भगवान भोलेनाथ के पुजारी था, पूजा पाठ करता था, बुढ़िया भी पूजा पाठ किया करती थी। दिन पक्की हो गया, राजा साहब दिन बैठा लिए और रुनकी के पिता घर गए तो झुनकी के माता कहती है कि ए जी एगो बेटिया के ब्याह करिएगा, एगो के कुमारे रखिएगा, वो भी तो बड़े हो गई है जी, उसको भी विवाह करना है, उसका भी विवाह हम कर देंगे। कहते हैं कि इसका विवाह तो ठीक है, अच्छा है, उसका विवाह करने के लिए हम फिर से बर ढूंढेंगे। इधर कई गांव ढूंढे राजा साहब दीदी, लेकिन बर नहीं मिला, बर नहीं मिला दीदी। तो वही गांव में गए तो राजा के यहाँ
एक का विवाह दीदी जो राजा घर नौकर के काम करता है, सानी पानी लगाता है, उससे हुआ, और एक का विवाह राजा के बेटा से हुआ, तय दोनों का सेठ हो गया। दिन पक्की हो गया, बारात का दिन एक ही दिन रखाया। रुनकी जो है, रुनकी को पता चला कि मेरा सास विधवा है, मेरे पति एक ही है और मेरा सास एक झोपड़ी में रहने वाली है। भगवान से जाके कहती है रुनकी, जे देना ले ले गोरजे हम हूँ जाला मियाँ जी, अरे छीनी ले ला माता के रागोदा जी, भैले चारे छावे मसवा गुरु जी, ऐलन सौतेली मैया हमारा पे कैलन अत्याचारी जी, झड़ुआ बरतन मा गुरु जी अनहियों में छूटा लई जी, बनी के राहाली नौकरानी जी। जो शंकर भगवान है दीदी, उनका आसन डगमग डोलने लगा, विष्णु भगवान का आसन डोलने लगा डगमग डगमग। विष्णु भगवान के, शंकर भगवान के मंदिर में अपना विपता दुख जाके सुनाई। शंकर भगवान विष्णु भगवान पर कट होकर कहते हैं कि पुत्री तुम्हें क्या कष्ट हुआ है जो तू अपना इतना विलाप कर रही हो, विरोक कर रही हो और रो रही हो, आंसू गिरा रही हो। कहती है कि हे भगवान, जब हम जन्म लिए तो माता का प्यार, माता का गोद सब कुछ छून लिए आप, हमें क्या कसूर था जो हम नादान बालक थे, मुझे पता भी नहीं कि मैं कैसा मेरी माँ है, हम तो इसी को माँ मानते हैं, लेकिन इन्होंने मुझे क्या समझती है, क्या समझती है, एक घर के दासी की बराबर मुझे सम्मान देती है, जो सूखी रोटियाँ रहता है वो भोजन करते हैं, जो बासी कुसान बचता है वो मैं भोजन करता हूँ, जो बहन छोड़ देती है वो जुठन में खाती हूँ, और दिन भर गाय गोरु सानी पानी में लगे रहते हैं, एक बहन है जो पढ़ाई करती है और एक बहन है जो नौकरानी के काम करते हैं घर में। भगवान जो है, विष्णु भगवान कहते हैं कि पुत्री चिंता मत करो, चिंता मत करो, तेरा सब दुखरन हो जाएगा, तुम एकासी व्रत करना, और एकासी व्रत करेगी तो उसका फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, तुम चुपचाप अपना शादी करके घर बसा लो। कहती है बेचारी, विलाप करती है कि माए का में माई नाही, ससुरा में सासुर नाही, कैसने आभागा हमाही जी, लोगवा देखिए गुरु जी हमारा हाई ठूलवा जी, अरे कौनी करता बहामा चूकल जी। कहती है कि देखिए गुरु जी, हे भगवान, मेरा मायका में माता नहीं, ससुराल में ससुर भी नहीं है, क्या कर्तव्य में हम चुके हैं, लोग ठूल मार रहा है कि अभागिन है। शंकर भगवान उसके सिर पर हाथ रख के, विष्णु भगवान सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद दे दिए। बेचारी पूजा पाठ करके दीदी रुनकी आई घर, बारात आ गया, मंडप में बड़े आ गए, मंडप में बैठी राजा, दोनों पुत्री का कन्यादान किए, एक का तो जेवर गहना बहुत चढ़ा, लेकिन बेचारी रुनकी का कोई जेवर गहना नहीं चढ़ा, बस दो जोड़ी वस्त्र मिला और उसी में अपना ससुराल चल गई। रानी जो है, जो सौतेली माता, वो क्या करती है दीदी कि ईंट और पत्थर चूर के उसका खोइछा में डाल देती है, और खोइछा में डाल के और कहती है कि जाओ, बड़ी पूजा पाठ करती थी, सोना चांदी बन जाएगा, जाओ जाओ दीदी। जिस दिन ब्याह हुआ था दीदी, उस दिन जेठ मास का एकासी व्रत था,
बेचारी उनकी एकादशी व्रत की थी, उपवास थी, और उसके माता जिस दिन बारात आया था उस दिन तो एकादशी व्रत में थी। द्वादशी का विदा हुई दीदी, उसकी माता व्रत भी नहीं तोड़वाई और भूखी अपना बेटी को विदा कर दी। कहते हैं दीदी कि बेटी को भूखा विदा नहीं करना चाहिए, बेटी का एक निवाला भी मुंह में जरूरी खिलाना चाहिए। बेटी घर का लक्ष्मी होती है, बेटी से बड़ा कोई लक्ष्मी नहीं, बहू बेटी घर के लक्ष्मी। या तो बेटी का विदा कीजिए दीदी या बहू का विदा कीजिए, घर से भूखे नहीं थोड़ी सी भी खिला दीजिए, लेकिन खिला दीजिए, क्योंकि भूखा जो है लक्ष्मी माता नाराज हो जाते हैं, विष्णु भगवान नाराज हो जाते हैं। जो रुनकी थी दीदी, रुनकी बेचारी एक अन्न ग्रहण नहीं की, जल भी नहीं ग्रहण की, अपना ससुराल गई ब्याह होकर। झुनकी भी ससुराल गई और उनकी भी ससुराल गई। दोनों जब ससुराल गई दीदी तो सास परछन किए, परछन में ले जा परछन करके ले गए कोहबर में। जब कोहबर में ले गई सास तो एक ही तो झोपड़ी मड़ई था दीदी, कच्चा मट्टी का मकान था, एक ही कमरा था। सास कहती है कि बेटी खीर खा लो, मुझुठी कर लो, दही बतासा खा लो। कहती है कि अब मैं क्या बोलूँ, नहीं किसी को पहचान रही हूँ और नहीं किसी को जान रही हूँ। लोग हल्ला कर दिए कि कन्या रूसी हुई है, मुझ उठी नहीं कर रही है। जब कोवर से उठी तो अपना सास से कहती है कि माँ जी, सबसे पहले हम स्नान करेंगे, विष्णु भगवान का पूजा करेंगे, सूर्य भगवान का अर्घ देंगे, क्योंकि मैं तो कल एकादशी व्रत में थी और मैं व्रत नहीं तोड़ा हूँ, तो व्रत ऐसे कैसे तोड़ लेंगे बिना भगवान का पूजा किए। सास जो है पूजा का थाल ला के दे देती है, बेटी पूजा कर लो, स्नान के लिए पानी कुएं से निकाल देती है, बेटी स्नान कर लो। अपना पति से भी कहती है कि आप भी स्नान कर लीजिए, वो तो खाए पिए थे लेकिन स्नान कर लिए। बेचारी स्नान करके और भगवान को पूजा पाठ की दीदी। पूजा पाठ करके उसके बाद कहती है कि माँ जी, हमें पहले गुड़ और रोटी चाहिए। सास बेचारी अनजान थी कि किस चीज़ से व्रत को तोड़ना चाहिए। गुड़ रोटी सास ने दिया, गुड़ और रोटी पहले गौ के खिलाई और गौ माता को कहती है कि हे गौ माता, मैं अपना ससुराल नई नवेली आई हूँ और गुड़ रोटी मैं तुम्हें खिला रही हूँ। हे माता, तू मेरी माता हो, मैं तुम्हारा पुत्री हूँ, मैं भी व्रत तोड़ने जा रही हूँ। बेचारी गुड़ रोटी से व्रत तोड़ दी और उसके बाद जो भी सास खिलाए वो खा ली। अब ससुराल में रहने लगी रुनकी और झुनकी भी। रुनकी रहने लगी ससुराल में तो जब भी एकादशी व्रत आता था दीदी तो बेचारी रुनकी 24 एकादशी करती थी। एकादशी व्रत के दिन गंगा स्नान जाती थी, दशमी के भी जाती थी, एकादशी के भी जाती थी, द्वादशियों के जाती थी। जाती थी तो जब व्रत उसका आता था तो गांव के कई लोग उसके साथ जाया करते थे और गाते बजाते जाते थे। कहते हैं दीदी कि जहाँ 5 गो कोई भी मिल जाते हैं स्त्रियाँ जाती तो बड़ी तरह के बात हो जाती है, गान बजान मंगल आरती हर तरह के हो जाता है, तो सब गाते बजाते नदी जाते थे और स्नान करके सुबह सुबह लौट जाते थे। शाम में भी नदी जाते थे और नदी से लौट जाया करते थे। नदी भीरी था तो रुनकी चल जाती थी नदी। दीदी धीरे धीरे समय बीता तो रुनकी का एक संतान हुआ। आज जब रुनकी का संतान हुआ दीदी तो रुनकी बड़ी प्रसन्न हो गई कि मेरा एक संतान हुआ। अपने बहन के घर गई, अरे बहन, भजवाई अपने पति को कि मेरे बहन झुनकी से बता दीजिए कि मेरा एक संतान हुआ है। रुनकी के पति झुनकी के घर गए और जाके कहने लगे कि अजी, आपकी बहन बुलाई है, आपका बहन का एक पुत्र हुआ है। अब तो झुनकी जल भुन गई और क्या उसके घर जाएगी। भगवान को कहती है कि हे भगवान, यदि उसका बेटा मर जाएगा तो आपका हम पूजा कराएंगे, सत्यनारायण स्वामी का कथा कराएंगे। हे तुलसी मैया, यदि उसका बेटा मर जाएगा तो हम रोज नित उठ के जल से पटाएंगे। तुलसी माता कहते हैं कि हा, तू पटाएगी, वो पटाती है। अरे तू हरा भरा रखेगी कि नहीं वो नहीं पता, लेकिन वो तो हरा भरा रख रही है, इसलिए तुम्हारा बात हम कैसे मान सकते हैं।
जो विष्णु भगवान है वो कहते हैं तू पूजा कराएगी, और वो करती है तो उसका पुत्र का जीवित रखेंगे, मार कैसे देंगे। कहते हैं दीदी की कसाई का श्रापने से गौ नहीं मरता, गौ कभी मर नहीं जाता, तुलसी में जल डालने से तुलसी हरे भरे हो जाती है, तुलसी किसी को मारती नहीं है। दीदी इसका बेटा तो दिन पर दिन एक जो बढ़ने का दो जो बढ़ रहा है। धीरे धीरे समय बीता, दीदी बेचारी गंगा स्नान जाते रह गई। जब इसका बेटा का 2 साल 3 साल हुआ दीदी, 4 साल हुआ, तो सब लोग कहा कि ए झुनकी आपका एको संतान नहीं है, साथे शादी ब्याह हुआ है, 2 साल के बड़ छोटे हैं दोनों, ता आपको एको बाल बच्चा नहीं है, अपना बहन से जाकर पूछिए, पूजा पाठ आप भी कुछ कीजिए, देवाए धर्माए कीजिए, तो हो सकता है आपको संतान हो जाए। रुनकी के बहन जो झुनकी थी दीदी, रुनके के पास गई और जाके कहती है कि उसका अरे पूजा पाठ तो नहीं है करेंगे, लेकिन उसका बेटवा के जरूर मार देंगे, उसका बेटा के जरूर मार देंगे। बेचारी रुनकी का दीदी एक बच्चा 6 महीना का था, और एक बच्चा दीदी 5 साल के हो गया था, 5 साल के हो गया था दीदी। दया के झुनकी है जो मिलती है अपना बहन से, कहती है बहन तू कौन सा व्रत करती हो हमें भी बता दो। कहती है देखो बहन हम एकादशी व्रत करते हैं, और हर एकादशी व्रत करते हैं, एक भी एकादशी व्रत हम बाकी नहीं रखते, करना है तो तुम भी करो। देखो 2 दिन के बाद नहाई खाई है, हम नहाई खाई करने स्नान करने जाएंगे नदी, तू भी चलना। कहती है कि बहन अपना बेटा को भेज देना, हम जरूर जाएंगे, रास्ते में तो हम खड़े रहेंगे, तुम उसी तरह चलना। ठीक है बहन। गुरु भाई बहना जब 10वीं का दिन आया तो सुबह सुबह रुनकी अपना बेटा को भेज देती है कि जा मौसी के बोल देना, एक ही गांव में दोनों थी, जा मौसी को बोल देना कि मौसी जो तुम्हारा बहन है वो गंगा स्नान के लिए जाएगी, तैयार हो जा, गंगा स्नान के लिए जाएगी, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। 10वीं के दिन उसका बहन कुछ नहीं बोले चाल की बेटा को उसको लौटा दी, दूध भात कटोरी में खिला के, और उसके बाद क्या की दीदी अपने गंगा स्नान चल गई। एकादशी के दिन बोली देखो दीदी तू सुबह सुबह जाएगी स्नान करने, हमको नींद नहीं खुलता है, क्योंकि दोपहर में तो मौसम जाने लायक नहीं रहता है, तो अपना बेटा को भेज देना, हम आज जाग जाएंगे, आज रात में मेरे पास अपना बेटा को भेज देना, कहा सवेरे हम तैयार हो जाएंगे। ये दीदी बेचारी सीधी सादी उनकी दीदी भगवान के सच्चे भक्त थी, भगवान पे भरोसा करती थी, तो बेचारी क्या की कि अपना बेटा को भेज दी कि ये बेटा मौसी के घर रह जाना, और सवेरे सवेरे मौसी तुम्हारा तैयार हो जाएगी, बोल देना कि मौसी हम भी चलेंगे साथ में। अपना बेटा को भेज दिया कि भेज दी दीदी। अब क्या करती है झुनकी कि इसका बेटा को दीदी, देखिए दीदी यहाँ पर थोड़ा सा अजीब लगता है कहने में कि एक सगी बहन होकर अपने बहन का पुत्र के कैसे मारी, कैसे काट डाली, कलेजा फटता है दीदी। हथवा में ले ले झुनकी लंबी रे रासारी आजी, दिया लेना हथवा पौआ बांधी, काटियो में दिया ले झुनकी बुआ के नाम उड़ी आजी, अरे पथला काले जवाले लकबानाई, अपनी साड़ियावा बहिनी बुआ के ला पेटा ले जी, अरे राखी दिया ले बोड़िया में बंदा कारी, बोरे भी नो सरवा झुनकी भले ताइयारिया, अरे हमें जई भई गंगाया सनान। गुरु भाई बहना भोरे भिन सर्वे से खड़ी है, अपना माथा पर बुढ़िया लेके गंगा जी में फेंक देंगे, गंगा जी में फेंक देंगे,
और फेंक के अपना स्नान करके चल आवेंगे। हम बोलेंगे कि तुम्हारा बेटा को तो हम भेज दिए थे, गंगा स्नान जाने लगे तो पहले ही भेज दिए, जाने लगी तो सारा लोग कहते हैं कि अरे बहन आप क्या रखे हैं बुढ़िया में। तारे क्या कहें बहन जी, बड़ी दिन से कूड़ा कचरा था, कूड़ा कचरा था, वही कूड़ा कचरा हम बुढ़िया में रख ले हैं, जा रहे हैं गंगा जी तो ले जाएंगे, दहा देंगे बहा देंगे, पूजा पाठ करते हैं, उसका छाए बानी सब जमा करके रखे हैं, उंदरी चुंदरी सब रखे हैं, तो वही हम दहा देंगे बहा देंगे पानी में। सब लोग बोले कि तो ठीक है। जाने लगे दीदी, गाते बजाते गाते बजाते रमते झमते गंगा के घाट पर पहुंच गए। तो गंगा के घाट पर पहुंच गए दीदी, तो गंगा मैया जो हैं कहते हैं कि आज मेरा भक्त का सत टूट जाएगा। विष्णु भगवान कहते हैं कि आज मेरा भक्त का सत टूट जाएगा। लक्ष्मी माता कहते हैं कि आहा, इतना पूजा पाठ करने वाली रुनकी उसका पुत्र को मार दिया, आज वो एकादशी व्रत में है। आज भगवान महादेव भोलेनाथ विष्णु भगवान आप लोग कृपा कीजिए कि आज एक चुट्टी का भी मौत ना हो। ओ भी निपुती नहीं होवे, आज रुनकी कैसे निपुती हो जा सकती है। क्या किए कि सभी वहां गंगा पर पहुंच गए और सत्संग शुरू कर दिए। बड़ी सारा ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी सरस्वती पार्वती गणपति रिद्धि सिद्धि कार्तिकेय सब वहां पर पहुंचे हुए हैं, और सब पहुंचकर माता दुर्गा सातों बहन भैरव भैया सब सत्संग कर रहे हैं गंगा के घाट पर। सब लोग पहुंचे तो कहते हैं कि अरे 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 आज बड़ी मनी लोग आए हुए, सब मानव रूप बनाए हुए हैं और सत्संग कर रहे हैं। सब लोग देखे जो कहने लगे कि अरे आज बड़ी मनी लोग आए हुए हैं, देखिए कौन है, सब लोग के साथ हम लोग भी बैठ के और थोड़ा सा भजन कर लेंगे तब नहाएंगे। उन लोग कहते हैं कि अरे पहले नहा लो। तो जो है झुनकी दीदी वो बोड़िया दहाने लगी तो कहते हैं भगवान की अरे पहले बोड़िया मत दहाओ, पहले स्नान कर लो, स्नान करके जाते समय कूड़ा कचरा को दहाना। नहीं बाबा हम अभी ये दहा देंगे, नहीं नहीं बोड़िया मत दहाओ। फिर भी जो झुनकी है दीदी गंगा जी में हेल गई, सब लोग सत्संग में बैठ गए दीदी और गंगा जी में वो हेल गए, गंगा जी में हेल गए दीदी। ता बहुत बड़ा गेड़ूरी मछली जो होता है दीदी, जो क्या कहते हैं वो बड़ा बड़ा मछली जो होता है, वो मछलियाँ इसको गोड़वा खा गई, एक गोड़ खा गई दीदी, इसका गोड़वे में लटक के पूरा एक गोड़ के लूल्ही कर दी झुनकी के, और झुनकी के गोड़ में लूल्ही कर दी। अब गंगा मैया जो थे दीदी बुढ़िया को छान लिए। गंगा मैया क्या सत्संग में बैठेंगे कि गंगा मैया गंगा में भी हैं दीदी। गंगा मैया बुढ़िया को छान लिए दीदी, और छान के दीदी अरला पर ला के और बच्चा को जिला दिए। विष्णु भगवान के कहते हैं कि महाराज इसको अमृत जल दे दीजिए, अमृत गोटी पिला दीजिए, ये बच्चा जीवित हो जाएगा। बच्चा जीवित हो गया दीदी, और बच्चा को सत्संग में बैठा लिए। कोई के पतो नहीं चला बच्चा के सत्संग में बैठा लिए। सब कोई कहते हैं कि ए झुनकी, अरे तुम्हारा बहनी जो बहन जो है गंगा में गई कूड़ा का चढ़ा आने तक लंगड़ाई तैयार रही है, रोते आ रही है, वो देखो ना गंगा जी के पनिया लाले लाल हो गया है। अरे का हुआ बहन, का हुआ देखते है, अरे बाप रे को गोड़वे पूरा इसको नहीं है पूरा चौवा, का हुआ बहन। अब निकली है बहन तो देखती है कि अरे इसका बेटा तो सत्संग में बैठा हुआ है, हम तो दहा दिए माधर मार काट के। सब लोग देखते हैं कि अरे रुनकी का बेटा सत्संग में इन लोग के साथ है, बेटा तुम कब आए काया। अरे माँ कब आए, मौसी से पूछो कब आए, मौसी तो लेके आई है। वो कहती है बेचारी ही अपना जो कुकर्मी थी झुनकी, वो कहती है जैसा ने कर्मिया हम कायली हो हमा वैसन फल पायली, जैसा ने कर्मिया हम कायली हो हमा वैसन फल पायली, बहिनी के बेटवा के मारी काटी देलिए, बोड़िया में बांध करी गंगा में दहाएली हो, बहन के बेटा लौटी गायेली
मोर पैरा खाए लकमा छालिया हो, हामा लंगड़ी होई गायली। मोर पैरा खाए लकमा छालिया हो, हामा लंगड़ी होई गायली। जैसन करनी कैली वैसन पायली हो, हम तो लंगड़ी होई गायली। गुरु भाई बहना ये कहती है कि हम जैसन करनी की वैसन पाए। बेटा जो हम किए वो माफ़ी मांगते हैं बेटा, अपना बहन के पाँव में लटक के कहती है कि बहन हम सोचे कि तू पापी हो, हम पुनी हैं, हम तो सेठ घर के बहू हैं, हमें किसी को 5 किलो दान कर देंगे तो बड़ी नाम लेगा। लेकिन तू रोज पुण्य करती थी, तुम्हारा पुण्य के प्रताप के प्रभाव से तुम्हारा बेटा नहीं मरा। तुम्हारा बेटा को हम कुटही करके और गंगा जी में दहाने आए थे, लेकिन पता नहीं तुम्हारा बेटा को दहाने लगे तो तुम्हारा बेटा दहा कि नहीं दहा, यहाँ तो सत्संग में बैठा हुआ है। लेकिन बहन हमारा पैर जो है एगो खा गया मछली, पता नहीं कैसे काट लिया बहन उसका उसका मुँहे में लगता है मेरा पाँव चल गया। बहन कुछ कृपा करो कि मेरा जो लंगड़ी हो गए बहन वो ठीक हो जाए। बहन कहती है कि देखो बहन जो सच्चे हैं उसे भगवान भी इंसाफ करते हैं, और जो पापी है उसे भी भगवान इंसाफ करते हैं। तो पाप का फल भुगतना भी पड़ता है, पुण्य का फल भी भुगतना पड़ता है। चाहे तू सुखी जीवन चाहे दुखी जीवन, बहन तू जैसा किया वैसा पाया। ए गुरु भाई बहना सब लोग स्नान किए, सब लोग कहते हाय रे हाय, कैसा बहन है, सौतेली बहन है, पापी बहन है, कैसा ही बहन है कि अपना बहन के काट के बच्चा के अब गंगा में दहाने आई थी। हाय रे कितना सुंदर बच्चा है, हम लोग यहाँ जाता है ये दादी हमको मम्मी बुलाई है, हम जाते हैं इसको घर, भजन भक्ति करते हैं, कितना पूजा पाठ इसको माता के साथ करते हैं। बेचारी जब आई थी तो इसका घर में खाने का रहने का नहीं था, अब आई है तो देखिए इसके घर में कितना बढ़िया घर द्वार बना लिए, कितना अच्छा से रहती है, हम लोग के संस्कार देती है, हमारा बच्चे के बहू के संस्कार देती है, और इसका जो है ये पापिन ऐसा कर दी, हे भगवान कैसा ये पापिन है। गुरु भाई बहना सब लोग पूजा पाठ किए, आप पूजा पाठ करके और घर आए, उसको भी टांग टूंग के लोग लाए, उसको घर पहुंचा दिए। बहन जो थी अपना घर गई दीदी, और अपना उसका घर पहुंचा के उसको सास उसके सब परिवार थू थू दीदी करने लगे, कहते हैं कि अब कोई उपाय नहीं है, जाना है तो बहन के घर जाओ, माफ़ी मांगो, उसी से कुछ मिल जा सकता है, ऐसे कुछ नहीं होगा। गुरु भाई बहना बहन के घर गई तो बहन कहती है कि हम भगवान नहीं हैं जो हम तुम्हारा कृपा करेंगे या तुम्हें हम कुछ कहेंगे, अरे करना है तो भगवान के भक्ति भजन करो, भगवान के पूजा पाठ करो, हम कुछ नहीं करेंगे, हम एकादशी व्रत करते हैं, भगवान का भक्ति पूजा करते हैं, करना है तो तुम भी करो, हम विधि बता देते हैं। दीदी उसका मन में तो कपट था दीदी, तब क्या विधि सुनती, फिर से रुनकी का पुत्र हुआ दीदी। समय बीता तो रुनकी का 2 गो बेटा हो गया, लेकिन झुनकी बांझे रह गई, लंगड़ी भी हो गई दीदी, बांझ भी हो गई। उसके जब माता पिता जाने कि हमारा बेटी जो है एक पैर के हो गई है, एक पैर से लंगड़ी हो गई है और ऐसे ऐसे हाल की थी, तो उसका बेटी जो उसका जो माता पिता है दीदी झुनकी के पास आए कि अरे तुम ही मेरा बेटी को पैर कटवा दिया है, अब आगन कुल्टी डायन जलमते अपना माता को खा गई और अब मेरा बेटी का पैर खा गई। कहती है कि माँ हम वही करवे करते हैं, रात से हैं, हम तुम्हारा बेटी है के तुम्हारा बेटी मेरा बहन भी है, उसका पैरे खा के हम आज तकल जीवित हैं। अरे वो जैसन करनी किया वैसन पाया, मेरा बेटा के काट के गंगा जी में दहाने गया था, विष्णु भगवान के कृपा, लक्ष्मी माता के कृपा, गंगा मैया के कृपा, मेरा गुरु जी का कृपा कि मेरा बेटा आज जीवित है और 2-2 पुत्र हो गया। माँ चिंता मत करो, लो खिलाओ तुम्हारा नाती है। तो अपने पिता से कहती है कि पिताजी थोड़ा अभी तो रहम कीजिए, जो मेरी माँ करती थी, मेरे माँ के बारे में सब कोई बताते हैं कि तुम्हारा माता पुजारी थी, बड़ी भक्ति करती थी, पूजा पाठ करती थी, और आप कैसे कुकर्म है, आपका धन संपत्ति वही में नाश हो गया जो कि आप गलत लाइन धर लिए, जुआरी शराबी बन गए, इसलिए आपके पास धन नहीं है। आप जब मेरी माँ मरी थी तो कितने अमीर राजा कहलाते थे, आज प्रजा से भी बेहतर हो गए। पिताजी अच्छे कर्म करिएगा, अच्छे फल पाइएगा। तो गुरु भाई बहना ऐसा कह के
और उनकी अपना घर आई और घर में अपना सुखी जीवन बताई, झुनकी जन्मों जन्मांतर तक कलटते रह गई। तो जैसा थोड़ा सा माता पिता के संस्कार भी बच्चे पर काम करता है दीदी, माता पिता जैसा संस्कार देते हैं वैसा बच्चे पर मिलता है। माता पिता कहेंगे कि बेटा उसको गाली दे के आओ, तो बेटा जाएगा उसको गाली दे के आ जाएगा। बेटा उसको एक लपड़ मार के आ जाओ, तो बेटा मार के आ जाएगा। माँ कहेगी बेटा बड़े लोगों को आदर करना चाहिए, बड़े लोगों से बात अच्छा से करना चाहिए। माँ कहेगी बेटा कभी भी किसी से गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए, तो बेटा वही सीखेगा। दीदी जो भी माँ सिखाएगी बेटा का सीख वही मिलेगा, संतान का वही सीख मिलेगा, जो जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके कमेंट बॉक्स में। हर हर महादेव, जय शिव गुरु, जय विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी मैया, जय गणपति बप्पा, जरूर लिखे धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।